हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आप लोग की खिदमत एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं इसी चैनल साइंस स्टूडियो पे मुख्तलिफ कंटेंट्स डालता हूँ, जिसपे मैं आप लोगों के लिए एंड्रॉयड टिप्स एंड ट्रिक्स, कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ एप्स का रिव्यू करके यहाँ पे वीडियोज डालता हूँ। तो बेसिकली आज का ये वीडियो अगेन एप्स के बारे में है। दोस्तों, आप लोगों ने टूटा के बारे में सुना होगा, जिसके बारे में मैं पहले भी काफी वीडियोस बना चुका हूँ, जो कि आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। उसी वीडियोस का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने काफी दिनों से यही सुना होगा कि आप लोगों को टूटाक्स प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, जैसे कि इससे पहले भी इसको एक दफा प्ले स्टोर से हटा दिया गया था और इसी का रीज़न कुछ इस तरह ये बता रहा था कि ये आप लोग के यानी आप लोग के यूजर का डेटा चोरी करता है और ये एप्स इसे स्पाई एप्स यूज होता है, तो इसको प्ले स्टोर ने यहाँ से हटा दिया गया था। लेकिन कुछ दिन के बाद इसको दोबारा प्ले स्टोर पर डाला गया था, लेकिन अब एक बार फिर इसको दोबारा हटा दिया गया है। तो काफ़ी यूज़र यही क्वेश्चन करते हैं कि इसको हम किस तरह डाउनलोड करें और इस पर किस तरह अपने अकाउंट को लॉगिन करें। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को यही बताऊँगा, अगर आप लोग को ये एप्स प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है तो आप लोग इसको कहाँ से ऑफिशियली डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर अपने अकाउंट को आसानी के साथ यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, टाइम को जाए के बगैर मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे जाता हूँ और वहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग अगर ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है तो आप लोग इसको ऑफिशियली उसके वेबसाइट से किस तरह डाउनलोड करेंगे। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे जाते हैं। तो मुझे कहते हैं मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं साइम स्टूडियो। दोस्तों, जैसे ही मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आता हूँ, यहाँ पर आप लोग को मैं प्ले स्टोर पर लेके जाता हूँ और जैसे मैं प्ले स्टोर पे आता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च पे लिख देता हूँ टूटाक और इसको सर्च कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को टूटाक्स के बारे में मुख्तलिफ एप्स मिलते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल ऑफिशियल टूटाक्स के एप्स नहीं है। यहाँ पे इसके काफ़ी आप लोगों को आसानी के साथ मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को ऑफिशियल टूटाक्स का एप्स नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको दोबारा से यहाँ से रिमूव किया गया है। तो इसको आप लोगों ने फिर किस तरह यहाँ पे इंस्टॉल करना है, इसको किस तरह डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसके लिए आप लोगों ने अपने गूगल क्रोम पे जाना है या किसी भी ब्राउज़र पे जाना है और यहाँ पे आप लोगों ने सर्च पे लिखना है टूटाक। और जैसे आप लोग इसको लिखते हैं, यहाँ पे आप लोगों को मुख्तलिफ से यहाँ पर भी आप लोग को नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आप लोग को ऑफिशियल टूटाक का वेबसाइट मिल जाएगा, जो टूटाक .ai के नाम से है। आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप लोग को टूटाक के ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आएगा। यहाँ पे आप लोग इसके डिटेल वगैरह के बारे में चेक कर सकते हैं कि आप लोग को टूटाक पे क्या क्या चीज़ यहाँ पे क्या क्या फीचर अवेलेबल है। अब जैसे आप लोग थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आप लोग को मिलते हैं कि प्री डाउनलोडेड ऑफिशियल चैनल अवेलेबल ऑन हवावी ऐप गैलरी और यहाँ पर आप लोग APK प्योर पर भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं फर्स्ट नंबर पर क्लिक करूँगा तो आप लोग को डायरेक्ट उसके वेबसाइट से डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डू यू वांट टू डाउनलोड, यहाँ पे आप लोगों को डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जैसे आप लोग डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों का डाउनलोड का ऑप्शन यानी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। 25.96 MB का फाइल है और जैसे ही ये डाउनलोड होता है, यहाँ पर मैं आप लोग को फिर दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने फिर इसको किस तरह इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे आप लोग को ओपन का ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो आप लोग को यहाँ पे नोटिफिकेशन बार पे भी आप लोग को यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। चलिए मैं ओपन पे क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक कर तो यहाँ पे डू यू वॉन्ट टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल एक्सेस, यहाँ पे आप लोग को नोटिफिकेशन दे रहे हैं अगर आप लोग यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। अगर यहाँ पे आप लोग को जिस तरह परमिशन का ऑप्शन आ जाए तो आप लोगों ने अपने सेटिंग पे जाके इसको परमिशन देना है, फिर इसको आप लोगों ने इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन का स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। इसको आप लोग ओपन भी कर सकते हैं और ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऑफिशियल टूटाक्स का ऐप यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन कुछ यूज़र को यहाँ पे परमिशन का ऑप्शन आएगा, आप लोगों ने परमिशन को एक्सेस देना है और फिर इसके बाद आप लोगों ने कंटिन्यू करना है। इसके एग्री एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, अलाउ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से अपना फ़ोन नंबर इंटर करके वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। तो चलिए मैं अपना नंबर इंटर करके फिर कंटिन्यू कर देता हूँ एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पर आप लोग को बता रहा है कि वी विल बी वेरीफाइंग द फ़ोन नंबर, ओके पे क्लिक कीजिए
और यहाँ पे अब आप लोग को वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टूटा की तरफ से वेरिफिकेशन कोड आ चुका है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे एंटर की गई है। अब यहाँ पे आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने अपना कॉन्टेक्ट को भी यहाँ पे टूटा पे सर्च करना है तो आप लोग टर्न ऑन कीजिए, नहीं तो आप लोग डॉट नाउ पे क्लिक कीजिए। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का अकाउंट यहाँ पे आसानी के साथ ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो इसी तरीके से आप लोग आसानी के साथ ऑफिशियल टूटैक्स ऐप्स को आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं और फिर अपने मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोग ये बता दिया कि आप लोग टूटैक्स ऐप्स को किस तरह ऑफिशियली डाउनलोड कर सकते हैं, यानी अगर ये आप लोग को प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है तो आप लोग इसको ऑफिशियली इसके वेबसाइट में से किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं और इस पे अपने अकाउंट को किस तरह चला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी तरह समझ में होगा। फिर भी वीडियो के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़, और देखते रहे साइम स्टूडियो को।